आज बहुत आहत हैं कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत की, आज वो आहत हैं वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की, आज वो आहत हैं वो लोग जिनको कोई पद नहीं चाहिए था, जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। जिम्मेदारी तो थी उनके पास कि कांग्रेस को जिताएंगे, राहुल गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज एक ऐसा बयान आया रायबरेली से प्रियंका गांधी जी का, जिसमें उन्होंने बोला कि आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस हार गई। इस बयान की बड़ी आलोचना हुई और मैं भी आलोचना करता हूं प्रियंका गांधी जी के इस बयान की। या तो राजनीति की उनको इतनी समझ नहीं है, या राजनीति की समझ नहीं है, या अपना दोष दूसरों पर डाल रही है। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा, तीन सवाल। क्या प्रियंका गांधी जी, आपने आइडेंटिफाई किए अपने चाटुकारों से अलग उन लोगों को जो कांग्रेस के लिए बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के काम कर रहे थे? क्या आपकी मीडिया सेल ने उनके बारे में आपको जानकारी दी प्रियंका गांधी जी? क्या प्रियंका गांधी जी आपको ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दी गई जो जमीनी स्तर पर रह करके कांग्रेस का झंडा उठा करके, जिनकी पहचान कोई कांग्रेस के किसी जिला अध्यक्ष से नहीं थी, ब्लॉक अध्यक्ष से नहीं थी, और वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, वोट डलवाने का काम कर रहे थे और मारपीट हो रही थी उनके साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ? क्या प्रियंका गांधी जी आपने कोशिश की उन लोगों को जानने की, उनको रेक्टिफाई करने की जो कांग्रेस के लिए 2014 से लगे हुए हैं? आप तो अब आई हो एक साल पहले, क्या आपके उस मीडिया ने, उस आईटी मीडिया ने, आईटी सोशल मीडिया ने क्या उनको रेक्टिफाइड किया? जबकि उसके उलट आप पे गुस्सा आना इसलिए भी बाजी है क्योंकि आप अपने हो, और अगर आपसे नहीं बोलूंगा तो फिर किससे बोलूंगा, और आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी तो फिर किससे पहुंचेगी? क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज है जो बिना किसी लालच के कांग्रेस के साथ लगे हुए थे। आपने ऐसे वर्ड बोल करके उन कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की है जो आपकी रसीद के कार्यकर्ता नहीं थे, जो दिल से कांग्रेस को लेकर पैदा हुए थे। इससे अच्छा होता कि आप उन बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती, उन बुजुर्ग लोगों के लिए बोलती कि जो कांग्रेस के साथ पिछले कई सालों से जुड़े रहे, जिनके चेहरे 2014 में हार गए थे, जिनके खिलाफ गुस्सा था पब्लिक में, उनको दोबारा टिकट दिए गए और जनता ने उनको नकार दिया लोकसभा में। यह सच्चाई कि आपको नहीं बताएगी प्रियंका गांधी जी? अगर नहीं बताएगी तो प्रियंका गांधी जी आपको राजनीति सीखने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए भी बोलना जरूरी है क्योंकि मैं आलोचक हूं, तो मैं अपने परिवार का भी आलोचक हूं और सबका आलोचक हूं। आपने कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी गाली नहीं देनी चाहिए थी, जिस पर आप ट्रोल भी हुई और आपका मजाक भी बना सोशल मीडिया पर। तो प्रियंका गांधी जी आगे से अपने वर्णों पर ध्यान देकर के बोला कीजिए। कार्यकर्ता तो समर्पित रहता है, बिकते हैं बड़े नेताओं के जमीर, बिकते हैं बड़े नेताओं के वो इरादे जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते थे। मेरे पास तो यहां तक खबर है, कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पास अमित शाह का सीधा ऑफर था और वहां सटापटी हुई थी जीतने को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के, और वो सेव कर दिए गए केवल राहुल गांधी को डाउन करने के लिए। ये राहुल गांधी के खिलाफ साजिश ना बोली जाए तो क्या बोला जाए? हो सकता है कि आप भी इसमें शामिल हो। राजनीति दिखती कुछ है, दिखाती कुछ है और होती कुछ है, लेकिन हम सब राहुल गांधी के समर्थकों का मानना है कि यहां कुछ भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों, शायद ये मूड आपको पसंद ना आया हो, लेकिन आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।